हे गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संदीप केशरवानी और आप कनेक्ट हो चुके हैं मेरे साथ एसएससी फाउंडेशन की इस क्लास में। सभी स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मैं आपके लिए इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है वो इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच में पूरी तरीके से खत्म करने वाला हूं। नो डाउट, हर एक स्टूडेंट को फाउंडेशन का बैच जरूर एक बार अटेंड करना चाहिए, एक बार करना चाहिए। और ये पर्टिकुलर फ्री क्लास जो आप सारे स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे होने की अपॉर्चुनिटी देती है, इस क्लास में आप सीखेंगे पूरे के पूरे फाउंडेशन हर एक कॉन्सेप्ट का। तो फटाफट इस वीडियो के लिंक को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, जल्दी हो सके वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम कैंडिडेट्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। और जितने ज्यादा कैंडिडेट्स कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा मुझे आप सभी को पढ़ाने में। तो चलिए फटाफट शुरू हो जाइए और एक एक करके हर एक बच्चा इस वीडियो के लिंक को शेयर करता चला जाए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना बच्चों की स्ट्रेंथ हमारे साथ कनेक्ट हो सकेगी, राइट। So, चलिए शुरुआत करते हैं, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करेंगे और बड़े धमाकेदार तरीके से आज के फाउंडेशन के एक एक पॉइंट्स को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। एसएससी फाउंडेशन क्लास आज से शुरू, नाम संदीप केशरवानी। एसएससी फाउंडेशन क्लास, जब कभी भी इंग्लिश की बारी आती है तो इंग्लिश को आखिर पढ़ना कहां से चाहिए। बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं हमेशा कि संदीप सर ये बताइए कि आखिर हम इंग्लिश पढ़ना शुरू कहां से करें। सवाल तो यही है कि इंग्लिश पढ़ना शुरू कहां से करें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश पढ़ना शुरू वहीं से करें जहां से इंग्लिश की जन्म हुआ है। इंग्लिश का जन्म हुआ है इंग्लिश से, तो ये एक फाउंडेशन है। इसलिए आप बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते चलिएगा, समझते चलिएगा, लाइक लॉक करते चलिएगा एक एक पॉइंट्स को इंग्लिश में। आपको शुरुआत करने से पहले, ये मेरी कुछ सोशल मीडिया है, क्लास का पीडीएफ मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे डालूंगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक का पेज, ग्रुप, ट्विटर अकाउंट एंड टेलीग्राम, इन सब जगहों पे मैं आपको पीडीएफ डालूंगा, राइट। प्लस और भी बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी कंटेंट्स मिलेंगे, तो इसके लिए आपको फटाफट फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं गाइस सबसे पहले कि आखिर क्या है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो एक बच्चा इंग्लिश कहां से पढ़ना शुरू करता है, ऑब्वियसली बीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक्स, है ना, एक्स वाई जेड, ऐसे करके पढ़ना शुरू करता है। हर बच्चे ने यहीं से पढ़ा है। इंग्लिश एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो एक्चुअल में हिंदी से ज्यादा इजी है, लेकिन टफ इसलिए लगता है क्योंकि आपने उसको बचपन से पढ़ा नहीं है। इस वजह से यहां पर हर एक स्टूडेंट के लिए इंग्लिश बहुत ही टफ लगता है। मैं आपके लिए बनाता हूं ना आसान, बस देखते चलिएगा। आसान इसलिए है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्योंकि पूरी की पूरी इंग्लिश इन 20 समा जाती है, पूरी की पूरी इंग्लिश इस 26 लेटर्स में समा जाती है, लेकिन हिंदी कभी उसमें आधा कटा हुआ आ रहा है तो कभी पूरा आ रहा है, कुछ ना कुछ वहां पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। तो गाइस, आपको यहां पर नो डाउट सबको पता है कि ए बी सी डी इसको क्या पढ़ते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये आप सारे लोग जानते हो। ए बी सी डी ई, इसको एफ पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एफ जी एच, जी एच आई, जे के एल, एम एन ओ पी क्यू आर एस, टी यू वी डब्ल्यू एक्स एफ Y, Z, 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 ये तो आसान है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपका प्रोनाउंसिएशन है। कुछ वर्ड्स को मैंने इसलिए लिख दिया उनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्योंकि बच्चे मैक्सिमम उसमें मिस्टेक करते हैं। जैसे कुछ लोग F को यफ पढ़ते हैं, अगर ऐसी कुछ भी आपका साउंड है तो गलत है, उसको सही कर लीजिए, यफ नहीं होता। कुछ लोग यच पढ़ते हैं, यच नहीं होता। कुछ लोग आई हो गया, जे हो गया, के हो गया। कुछ लोग यल पढ़ते हैं, यल नहीं होता। कुछ लोग यम पढ़ते हैं, यम नहीं होता। यमराज थोड़ी ना है भाई। कुछ लोग यन पढ़ते हैं, यन नहीं होता। कुछ लोग यक्स पढ़ते हैं, यक्स नहीं होता। सबका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए। तो किसको हम क्या पढ़ते हैं ये चीज ख्याल रखिएगा। आप कहोगे संदीप सर इसकी जरूरत कहां इंग्लिश में, हम स्पोकन थोड़ी ना सीख रहे हैं, हम कहां आपको स्पोकन पढ़ा रहे हैं। हम ये चीज आपको जरूरत तब पड़ेगी जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूं। तो आर्टिकल्स में आपके पूरा का पूरा साउंड के हिसाब से आर्टिकल ए और एन का यूज होता है, जो आपको अच्छे तरीके से तभी आएगा जब आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जान रहे होंगे। अब सवाल ये आता है कि हम ये सारे के सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ए टू जेड 26 लेटर्स, इन 26 लेटर्स को बोलते क्या है, तो इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर्स। ध्यान से सुनते चलिएगा क्योंकि बहुत ही स्पेशल तरीके से पढ़ाऊंगा मैं इनको। इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं। इंग्लिश में टोटल लेटर्स की जो संख्या होती है 26 होती है, यानी दुनिया के सारे इंग्लिश 26 लेटर्स के अंदर बनी होती है। सॉरी की सारी इंग्लिश 26 लेटर्स के अंदर बनी होती है, ठीक। इन लेटर्स को हम जब जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक लेटर्स को जोड़ा जाए, दो या दो से अधिक जब कभी भी लेटर्स को आपस में जोड़ा जाता है और उसकी एक मीनिंग होती है, ध्यान समझते चलिएगा।
दो या दो से अधिक लेटर्स को जब जोड़ा जाए और उसकी एक मीनिंग हो तो वहां पर वर्ड बनता है। दो या दो से अधिक वर्ड्स को आपस में जोड़ा जाए और उसकी एक मीनिंग हो तो वहां पर एक सेंटेंस बनता है। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाए और उसकी एक मीनिंग हो तो वहां पर स्पीच, और इसी स्पीच को जब आप पार्ट देते हो तो निकल के आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी। तो कुल मिला के स्पीच जो बनती है ना भाई साहब, ये स्पीच का जन्मदाता लेटर होता है। आप लेटर से शुरुआत करते हो और स्पीच में जाकर जंप करते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक पता है स्टूडेंट कहां पे आप लोग करते होंगे? सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हो जब इंग्लिश पढ़ने की बारी आती तो आप शुरुआत नाउन से कर देते हो। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी, आपको लेटर से शुरुआत करना चाहिए। और आप कहां से शुरू करते हो भाई साहब? सबसे अंतिम वाले से शुरू करते हो, वो तो सबसे टॉप फ्लोर है। आप क्या कर रहे हो? टॉप फ्लोर। जबकि आपको शुरू कहां से करना चाहिए? बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर से, है ना? आपको सबसे पहली सीढ़ी से शुरू करना चाहिए। तो लेटर्स के ग्रुप को और उसकी एक मीनिंग हो तो वो आपका वर्ड कहलाता है। यानी कि वर्ड तभी होगा, कोई भी वर्ड, जब वो मीनिंगफुल होगा। आप एक चीज देखते होगे, आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है मिस स्पेल्ड के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक करके दी जाती है और बोला जाता है कि गलत वर्ड को रिप्लेस कीजिए। मेरे दोस्त, गलत वर्ड होता ही नहीं है, सही होता है। जो गलत है वो एक्चुअल में वर्ड नहीं होता है। तो यहां पर सवाल ये है कि आखिर आपका लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड कहते हैं तब जब वो एक मीनिंगफुल होता है। गलत अगर कोई हो गया तो वो तो वर्ड ही नहीं है, तो क्या गलत क्या सही, राइट? सो यहां पर ये चीज आपने देखा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड देता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा RAT, रैट आपने लिखा, लेकिन अगर आपने ADR अगर लिख दिया तो ATR नाम का कोई वर्ड नहीं होता। ART होता है, RAT होता है, ART होता है। तो ART और RAT ये तो आपके दो वर्ड्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तीन लेटर्स का ग्रुप है और इसकी एक मीनिंग है, थ्री लेटर्स का ग्रुप है और इसकी एक मीनिंग है, तो ये वर्ड आपका क्या कहलाएगा? ये आपका एक वर्ड कहलाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो ATR तो ATR है वही तीन लेटर लेकिन इसका नहीं है। तो जब इसका कोई मतलब नहीं है तो भाई साहब ये आपका कोई वर्ड नहीं होगा। यानी वर्ड का मतलब है कि उसका एक मतलब होना चाहिए ग्रुपिंग में। ठीक, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग चलो सही हो जाएगा भाई। बफरिंग हो रहा है यार, अच्छा कोई नहीं, अभी सही हो जाएगा। थोड़ा सा बस कुछ नेट का इशू आ रहा है आजकल, सो अभी बिल्कुल सही हो जाएगा। डोंट वरी गाइस, क्लास की टाइमिंग डेली 7 बजे है भाई, डेली बेसिस पे है। ओके, बफरिंग अभी सही हो जाएगा, डोंट वरी गाइस, बफरिंग सही हो जाएगा। मैं कुछ कर सकता हूं तो देखता हूं। ठीक है, अभी सही हो गया हो तो बताओ, मैं आगे कंटिन्यू करूं? फटाफट एक बार बता दो सभी लोग। अरे मैं देख रहा हूं भाई बफरिंग हो रहा है, एक बार फटाफट बता दो, अगर सही हो गया हो तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। उर्मिला ने कह दिया कि सर सही है। बच्चों फटाफट एक बार बता दो, सभी लोग बता दो, अगर सही हो गया हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। एक बार कमेंट कर दो सारे लोग फटाफट देवो। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। तो यहां तक हो गया ये बात, इसके बाद आगे की बात करते हैं। बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अच्छा बहुत बफरिंग हो रही है। अभी सही हो गया कि नहीं एक बार बता दो। सही हो गया, कंटिन्यू करें। चलो बहुत बढ़िया, अभी सही है। बच्चे लोग एक बार रिफ्रेश कर लो यार, सब लोग एकदम सही हो चुका है, बिल्कुल सही हो चुका है। 99% बच्चे यहां पे अब सही लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। सो दैट मींस नाउ एवरीथिंग इज, आप एक बार फटाफट रिफ्रेश कर लो और फिर सही हो जाएगा। ठीक है चलो आ जाओ फटाफट देखो। सो प्यारे स्टूडेंट्स, आपने देखा कि लेटर क्या होता है, लेटर 26 होते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? लेटर की ग्रुप हो और उसकी एक मीनिंग हो तो उसको हम वर्ड कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप हो और उसकी एक मीनिंग हो उसको सेंटेंस कहते हैं। स्पीच क्या होता है? सेंटेंसेस का ग्रुप हो और उसकी एक मीनिंग हो तो उसको स्पीच कहते हैं। इसी में है तो निकल के आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसी में हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा पार्ट यहाँ पर निकल के आता है कि भाई ये सारी चीज यहाँ पर होती है। ठीक, अब सवाल ये है कि चलो भाई हम यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे वो ये पहली चीज से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो चीज आती है दैट इज योर लेटर वर्ड।
लेटर किसको कहते हैं, ये 26 होते हैं, इसमें अलग से केवल वो केवल साउंड बताना था किसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना है, तो लेटर कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर पे भाई वर्ड्स जो है आपको अलग से नहीं होता, दुनिया के सारे इन वर्ड्स के लिए मैं आपकी वोकैब का एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। फ्री गिफ्ट है ये, फ्री गिफ्ट मैं आपके लिए वोकैब का एक लेकर आया हूं कि आखिर वर्ड्स के लिए कराएंगे हम आपके लिए। आपके एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम से कम मैं आपको बता दूं तो आपको 5000 वर्ड्स, अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो भरे पड़े यार, कहां से कितना याद करोगे, लेकिन अगर 5000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आपको याद करा दिए जाए तो आपका एसएससी एग्जाम क्रैक हो सकता है। ये 5000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की आपके लिए स्टार्ट करिए जो कि फ्री है, अभी मैं बता रहा हूं कहां पे कराऊंगा। तीसरे नंबर पे आता है सेंटेंस। सेंटेंस जो है आज इसकी पूरी डिटेलिंग मैं करने वाला हूं, एक एक चीज आज इसकी पूरी डिटेलिंग मैं करने वाला हूं सेंटेंस का। और चौथे नंबर पर आता है स्पीच। जब सेंटेंस कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग कुछ चीजों को कवर करने के बाद स्पीच में जंप करेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें वहां पे निकल के आती है। ठीक है, अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये वर्ड्स आप सीखेंगे कहां पे, इन वर्ड्स के लिए मैं क्या स्पेशल कर रहा हूं। मैं फ्री क्लास मैंने स्टार्ट करी है, वर्ड्स की फ्री क्लास स्टार्ट करी है अनअकैडमी पे, डेली सुबह के 9 बजे 25 तारीख से, यानी मंडे से, 25th ऑफ मे से ये शुरू है। डेली सुबह के 9 बजे आप जाओगे तो अभी भी आपको दिख जाएगा उसमें 25 का, 26 का, 27 का, 7 के 7 दिन होता है, 7 के 7 डेज। ठीक है, लेटर हो चुके वो 26 अलग बताना। वर्ड्स में यहां पे करा रहा हूं जहां पे वोकैब का समाधान बाय संदीप सर, प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी, 5000 से ज्यादा वर्ड्स आपको करा रहा हूं। इस क्लास के लिए कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से, जिसमें आप गूगल चला रहे हो ना, यूट्यूब चला रहे हो ना, वहां पे बस एक काम करो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप करो, लॉगिन करो, रजिस्टर करो और मेरा नाम संदीप केसरवानी सर्च करके फॉलो करो। बस ये करना है आपको, संदीप केसरवानी करके फॉलो कर लेना। स्पेशल क्लास के कॉलम में आपको भरी पड़ी है, मेरी स्पेशल क्लास भरी पड़ी है, तो डेली बेसिस पे हो वो कैब का समाधान, वो कैब यहां से सीखो 20-30 वर्ड्स डेली, और यहां पे फाउंडेशन ग्रामर सीखो जो यूट्यूब पे चल रहा है, तो यूट्यूब की फाउंडेशन ग्रामर की वोकैबुलरी आपके लिए कंप्लीट कॉम्बिनेशन होगा जो आपके लिए इंग्लिश में 50 में 50 पूरे मार्क्स दिला सकेगी। ठीक है, कैसा रहेगा दोस्तों, मजा आएगा कि नहीं? एक घंटा पे 1 आवर की वो कैब और यहां पे 1 आवर की ग्रामर, मॉर्निंग में वो कैब, इवनिंग में ग्रामर, दोनों चीजें एक साथ आपके लिए, मॉर्निंग में वो कैब, इवनिंग में ग्रामर, जब दोनों चीज आप देखोगे तो आपके लिए बेस्ट पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए फटाफट सारे लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप ही इंस्टॉल करना और सर्च करना मेरा नाम संदीप केसरवानी, लॉगिन करना, उसके बाद सर्च करना और क्या आएगी उसको बस फॉलो कर लेना। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे बताना, मैं आपको कुछ और वहां पर लिंक वगैरह दूंगा जो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब चलो शुरू हो रहा है यार, आज बफरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, बफरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। बफरिंग 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 सही है कि नहीं बताओ, स्टार्ट करो क्लास तो प्रतिमा भी चल गया रहा है बेटा। आप लोग कैसे हो यार, आप लोग कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करते हो क्या, आप लोग टीचर्स को कभी भी सपोर्ट दो क्या यार, बताओ। क्लास स्टार्ट ही तो है, आप ही के फायदे की तो बात बता रहे हैं, अनअकैडमी पे वो कैब की क्लास फ्री में मिलेगी, ये हम क्या प्रमोशन कर रहे हैं आपके लिए, आपसे पैसे ले रहे हैं इन क्लासेस का, फ्री क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो कैब क्या करोगे, वो कैब अगर अच्छी नहीं है ना, इंग्लिश में कुछ नहीं होता किसी भी बच्चे का अगर वो कैब अच्छी नहीं कर पाया और फाउंडेशन नहीं किया तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो आपके लिए दोनों चीजें, मैंने पहले सोचा कि एक ही क्लास में दोनों करा दूं, फिर मुझे लगा कि यार एक ही क्लास में अगर दोनों कराएंगे तो वहां पर फिर एक ही घंटे के अंदर दोनों चीजें हो, इससे ज्यादा बढ़िया है कि एक एक घंटे की दोनों चीजें कर दें। तो आप ही लोगों के लिए यहाँ पे बढ़िया गया यार, एक घंटे का ग्रामर पढ़ाएंगे फाउंडेशन और एक घंटे की पूरी वोकैब पढ़ाएंगे, कोऑपरेट करो आप लोग, अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, आप लोग खुद ही बताओ, है कि नहीं। आप कह रहे हो कि सर क्लास स्टार्ट करो, तो अभी जो आपको पढ़ा रहे थे कभी सुना भी था आपने कि यहाँ पर ये जो सीरीज होती है ये क्या चीज है, इस सीरीज के बारे में कभी सुना भी था आप लोगों ने? हमेशा तो किताब खरीद के नाउन से ही पढ़े हो ना, फाउंड खुद से किया है आज तक, तो अगर पेशेंस नहीं रख पाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आप अपना ही नुकसान करके बैठोगे, खुद का ही नुकसान करके बैठोगे, वो हमें नहीं मतलब है उससे, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो धैर्य के साथ बैठा रहेगा मेरे साथ। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा कि बस कोऑपरेट कीजिए, क्लास में है तो देखिए और एक एक चीज को अच्छे से समझिए। बफरिंग हो रही है वो हम खुद समझ रहे हैं कि वहां पे प्रॉब्लम है, कुछ बफरिंग का इशू आ रहा है,
इंटरनेट का इशू है जिसको सही करने के लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी तो क्लास कंप्लीट करनी है ना यार, इसलिए ध्यान से एक एक चीज को देखते चलिए। चलिए सबसे पहले सेंटेंस को, कि आखिर सेंटेंस क्या है। हमने सबसे पहली चीज कवर करी कि दैट वाज लेटर, 26 लेटर्स होते हैं। दूसरे नंबर पे लेटर का ग्रुप वर्ड बनता है, तो वर्ड मैं अनअकैडमी पे करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए सुबह के 9 बजे। तीसरे नंबर पे आता है सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या होता है आपको अभी डेफिनेशन बताया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप कोई भी चीज को ले लीजिए, आपने एग्जाम्पल लिया कि रोहन इज अ गुड बॉय, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कुछ भी आपने लिख दिया, जैसे आपने लिखा कि रोहन इज अ गुड बॉय, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स रोहन इज अ गुड बॉय, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एक सेंटेंस है। आपने कहा ही डज नॉट अब्यूज, तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एक सेंटेंस है, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रही है ना, तो ये एक आपका एक सेंटेंस है। कुछ भी ऐसे लिख दीजिए, आपने लिख दिया वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग ये भी आपका एक सेंटेंस है, है ना। आपने कहा व्हाट इज द मैटर, सो व्हाट इज द मैटर भी आपका एक सेंटेंस है, क्योंकि ये एक से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप है, एक से ज्यादा वर्ड्स का ये ग्रुप है, और ये ग्रुप एक मीनिंगफुल है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, एक सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम सेंटेंस के, जब यहां पे समझ जाते हैं कि सेंटेंस क्या है, तो उसके टाइप्स की बात ही आती है। टाइप्स में सबसे पहले नंबर पे आपका सेंटेंस आता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरे नंबर पे आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरे नंबर पे आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, चौथे नंबर पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और पांचवा सेंटेंस होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये टोटल 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस हम किसको कहते हैं, इंटरोगेटिव किसको कहते हैं, इंपरेटिव किसको कहते हैं, एक्सक्लामेटरी किसको कहते हैं एंड ऑप्टेटिव किसको कहते हैं, आइए इसकी डिटेलिंग करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्यारे स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंस। देखो असर्टिव का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं या तो नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, है ना, जिसमें किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, इस प्रकार के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस के लिस्ट में डालते हैं। यानी असर्टिव का मतलब क्या है, असर्टिव का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग रखने वाले स्टेटमेंट विच हैज अ सब्जेक्ट एंड एट लीस्ट अ वर्ब इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस, हम उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो रहा है, बफरिंग सही हुआ कि नहीं, बफरिंग सही हुआ कि नहीं एक बार बता दो सभी लोग, क्योंकि यार बच्चे तो बहुत कम हो गए, शायद बफरिंग का इशू कंटिन्यू है, मैं समझ सकता हूं यार, मैं खुद समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम को। बफरिंग सही हुआ कि नहीं हुआ एक बार बता दीजिए। बच्चों बता दो एक बार, बफरिंग करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ऑल ओके और नॉट क्विकली, एक बार कमेंट कीजिए फास्ट सभी लोग। चलो ठीक है, रोहन इज अ गुड बॉयज नहीं था, यस काट दिया था उसमें हिमांशु, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, रोहन इज अ गुड बॉयज नहीं लिखा हुआ था, बॉयज हो गया था, यस काट दिया था उसमें। इमेज पे बफरिंग हो रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है, इमेज बफर कर रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है, ओके फाइन। चलो यार तो वॉइस से भी काम चला लो ना, ठीक है अभी वॉइस से काम चला लो, आवाज तो कर लो यार, देखो थोड़ा सा अभी कोऑपरेट करो ना, अभी अभी तो इसको कर लेते, क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, जब क्लास खत्म होगी उसके बाद ही यहां पर चीजें आगे कंटिन्यू करी जाएगी, देखा जाएगा क्या दिक्कत है, क्यों नहीं सही चल रहा है नेट, है ना। चलते हैं यार अभी तो सही कर लेते हैं, ठीक है चलो। देखो तो यहां तक हो गया, इसके बाद का पार्ट देखते हैं, यहां तक हो गया, इसके बाद असर्टिव की हम बात कर रहे थे। असर्टिव सेंटेंस हम किसको कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं या तो नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। इस सेंटेंस की कुछ खास बातें हैं, जिसमें सबसे पहले है कि इसके साथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट में कर्ता कहते हैं एंड वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं।
तो एक सब्जेक्ट और होगा और सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा तो उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स से हम इसको समझाते हैं आपको कि आखिर कैसे ये असर्टिव सेंटेंस काम करता है। तो जैसे पहला सेंटेंस आपने लिया, राजेश इज अ ट्रस्टवर्दी बॉय, राजेश इज अ ट्रस्टवर्दी बॉय, तो यहां पे राजेश इज अ ट्रस्टवर्दी बॉय इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। इसके पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से हम इसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक। असर्टिव का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो अफर्मेटिव हो या तो नेगेटिव हो वो असर्टिव कहलाता है। तो राजेश इज अ ट्रस्टवर्दी बॉय में ये एक पॉजिटिव मीनिंग रख रहा है, तो ये असर्टिव है। कैसे पता? क्योंकि राजेश एक सब्जेक्ट है और इज इसके साथ एक वर्ब है। तो हमने बताया ना कि सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए किसी भी सेंटेंस को असर्टिव होने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल आपने देखा, ही डज नॉट ट्राई टू चीट एनीवन। मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है जिसको पॉजिटिव लिख के बताया था, और नेगेटिव भी हो सकता है जिसको मैंने नेगेटिव लिख के बताया था। तो ही डज नॉट ट्राई टू चीट एनीवन, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस है। कैसे पता? क्योंकि यहां पे आप देखो एक सब्जेक्ट है और दूसरा आपकी सेंटेंस में वर्ब है और स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है। तीसरे नंबर पे है आपका नेहा एंड पूजा आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में मित्र हैं। तो नेहा एंड पूजा ये दो आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट हो गए कर्ता, एंड आर जो है इस सेंटेंस की वर्ब, आपका कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। तो ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। चौथे नंबर पे है दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प द नीडी, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प द नीडी, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। ये दे जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और आर जो है ये सेंटेंस की वर्ब है आइकिया, तो ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। पांचवा है माय फादर इज अ डॉक्टर, सो माय फादर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सेंटेंस की वर्ब है, कंप्लीट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो ये सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। यानी असर्टिव सेंटेंस की कंडीशन ये है कि आपको वहां पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना ही चाहिए। आपने देखा ही नेवर टेल्स अ लाई में ही आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है और टेल जो है इस सेंटेंस की वर्ब है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। तो असर्टिव का क्या मतलब है? असर्टिव मींस एक ऐसा, हम क्या करते हैं, असर्टिव का मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो अफर्मेटिव हो और नेगेटिव हो और साथ ही साथ उसमें एक सब्जेक्ट है प्लस एक वर्ब है, तो वो आपका एक असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक संवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब जो सवाल पूछता है, प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसेस, ठीक है, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी लिस्ट में आप दो प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, या तो WH वर्ड लगा के प्रश्न पूछेंगे, जैसे आपने कहा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो ये तुम क्या चाहते हो, ये तुम क्या चाहते हो आपका इंटरोगेटिव है, क्योंकि आप यहां पे सवाल पूछ रहे हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के केस में कि आपका ये सेंटेंस जब WH वर्ड से शुरू हो तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मैंडेटरी है, होना ही चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए उस सेंटेंस के इंटरोगेटिव बनाने लिए। तो गाइज व्हाट डू यू वांट में आपने लिखा व्हाट डू यू वांट, व्हाट के बाद आपने डू लिखा, तो ये आपका इंटरोगेटिव होगा, क्योंकि WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड जब सेंटेंस की शुरुआत में आए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो इंटरोगेटिव होता है, ठीक है, वो इंटरोगेटिव होता है, डन। आप अब कोई भी WH वर्ड हो सकता है, वो आपका व्हाट हो सकता है, वो आपका हु हो सकता है, वो आपका हुम हो सकता है, वो आपका विच हो सकता है, वो आपका हुज हो सकता है, वो आपका वेयर हो सकता है, वो आपका व्हेन हो सकता है, वो आपका हाउ हो सकता है, कोई सा भी शब्द है, ये सारे के सारे पहचान है उस वर्ड सेंटेंस की जो इंटरोगेटिव में आते हैं। कंडीशन एक ही है कि इसके डायरेक्ट बाद एक हेल्पिंग वर्ब होगी तभी इंटरोगेटिव कहलाएगा, अदरवाइज कुछ और कहलाएगा। व्हाट डू यू वांट ये इंटरोगेटिव है, लेकिन अगर आपने लिख लिया व्हाट यू वांट, तो मेरे प्यारे बच्चों व्हाट यू वांट ये इंटरोगेटिव नहीं है, फुल स्टॉप लगाओ। व्हाट डू यू वांट इंटरोगेटिव है, व्हाट डू यू वांट इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन व्हाट यू वांट जो है वो इंटरोगेटिव नहीं है, वो आपका कौन सा सेंटेंस है भाई साहब, वो आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब आप कहोगे ये कैसे लॉजिक है, व्हाट डू यू वांट ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है लेकिन व्हाट यू वांट ये इंटरोगेटिव नहीं है। हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो व्हाट डू यू वांट का मतलब है तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, ये इसका मतलब है हिंदी में। तो सवाल तो पूछा आपने, लेकिन दूसरे में व्हाट यू वांट का मतलब है तुम जो चाहते हो, तुम जो
चाहते हो। तो आप देखो यहां पर तो आपने सेंटेंस बोला ही नहीं, सवाल तो पूछा ही नहीं है। जब सवाल नहीं पूछा तो ये इंटरोगेटिव कैसे हो सकता है? यानी व्हाट यू वांट का मतलब है तुम जो चाहते हो, ये असर्टिव सेंटेंस है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो रहा है? तो इस टाइप से इस पॉइंट को याद रखिएगा कि असर्टिव और इंटरोगेटिव आप क्या करते हो, WH वर्ड देखा नहीं कि अंधी धुंधे एकदम लगाए पड़े रहते हो कि हाँ वो इंटरोगेटिव है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हर WH वर्ड वाला आपका इंटरोगेटिव नहीं होता। आपने कहा व्हाट एन आइडिया, तो व्हाट एन आइडिया ये कौन सा सेंटेंस है बता सकते हो आप लोग? व्हाट एन आइडिया ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। व्हाट एन आइडिया एक्सक्लामेटरी है, व्हाट यू वांट असर्टिव है, व्हाट डू यू वांट ये आपका इंटरोगेटिव है। यानी हमने WHAT से तीन सेंटेंस बनाया, तीनों अलग अलग सेंटेंसेस में चला गया। तो ये पूरा गेम जो है ना, ये सेंस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर। आप कभी भी किसी WH वर्ड को देखकर ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा इंटरोगेटिव का पार्ट है, नहीं होता ऐसा मेरे दोस्त। व्हाट डू यू वांट इंटरोगेटिव, व्हाट यू वांट आपका असर्टिव, एंड व्हाट एन आइडिया ये आपका एक्सक्लेमेटरी। ये तीनों WHAT से हमने शुरू किया। अब देखो ध्यान से समझो, तीनों के सेंस की बात करें, सवाल पूछा है, प्रश्न पूछा है, इसलिए ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। What you want इसने सवाल नहीं पूछा, इसने नॉर्मल बात बोली, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। What you want will not be given to you ये आपका assertive sentence है, क्योंकि सवाल नहीं पूछा। क्या किया, एक subject रखा, एक verb रखी और सवाल नहीं पूछा, इसका मतलब ये आपका assertive sentence हुआ। और what an idea क्या idea है, what an idea क्या है, wow what an idea क्या idea है। तो आपने इस what an idea के केस में आपने ये नहीं बताया कौन क्या idea है। ये ad देखते हो ना आप लोग, ये idea का ad, what an idea सर जी, What an idea सर जी। तो जो आप ये बोलते हो ना What an idea सर जी, ये What an idea जो आप बोलते हो, ये exclamatory sentence word होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई साहब आप इसमें ना सवाल पूछते हो और ना ही assertive, आप तो केवल कहते हो What an idea, What an idea है कि नहीं, तो ये exclamatory के format में जाएगा। यानी ये surprise वाली चला जाता है। जब surprise का सवाल हो तो आपका वो exclamatory, जब वो सवाल हो तो वो आपका इंटरोगेटिव, नॉर्मल स्टेटमेंट है तो वो आपका असर्टिव सेंटेंस। किसी से भी शुरू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कभी इस चीज का ध्यान मत दीजिएगा। देन तो इंटरोगेटिव का ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। कुछ और एग्जांपल्स आपको देके समझाता हूं। दूसरा, आपने कहा लव मी, आप किसी से बोलते हो ना डू यू लव मी, कोई आपका बचपन का प्यार होता है, बचपन के प्यार से आप लोग जाके बोलते हो ना डू यू लव मी, कहते पागल है क्या, बचपन से अपन दोस्त है, तेरे को यही क्यों नहीं बुलाया, को भगया से भगा देती है ना। अगर तुम किसी को ऐसी रेंडमली जाके बोल देते हो डू यू, तो गाइस ये डू यू लव मी जो स्टेटमेंट है ये इंटरोगेटिव है। अब इसमें आपको बता देता हूं, आप क्या पढ़ते हो कि संदीप सर जो आपका डू है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। आइडेंटिफाई करने का तरीका सीख लो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और उसके बाद सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो के सब्जेक्ट है तो याद रखना तभी वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट? आपने देखा हेल्पिंग ऑफ डू है, इससे शुरू हुआ और बाद में सब्जेक्ट है तो वो आपका इंटरोगेटिव है। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो गई जैसे आपने लिख दिया डू योर वर्क, तो आपने देखा डू योर वर्क के बाद फुल स्टॉप लगाया, हेल्पिंग ऑफ से शुरू है फिर सब्जेक्ट है, सवाल पूछा उसने तो इंटरोगेटिव। डू योर वर्क में आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, सवाल तो पूछा ही नहीं है, जब सवाल पूछा ही नहीं है तो काय का इंटरोगेटिव, फिर ये आपका दूसरा सेंटेंस हो जाएगा जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, दैट विल बी इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी इंटरोगेटिव के लिए जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो बाद में सब्जेक्ट है और वो सवाल पूछे। सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो सवाल पूछेगा तभी इंटरोगेटिव होगा, अदरवाइज काय का इंटरोगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपका यहां पर डू यू लव मी आपका इंटरोगेटिव है। तीसरा, आपने कहा डज हिज गर्लफ्रेंड टॉक टू यू, क्या उसकी गर्लफ्रेंड तुमसे बात करती है, ये क्या नाटक है भाई? डज हिज गर्लफ्रेंड, ओ माई गॉड, रामलाल की गर्लफ्रेंड, रामलाल से किसी ने पूछा, रामलाल की गर्लफ्रेंड जो है सुंदरलाल से बात करती है। अब सुंदरलाल से क्यों बात करती है, क्योंकि सुंदरलाल बहुत ही सुंदर है। सो रामलाल की गर्लफ्रेंड सुंदरलाल से बात करती है, डज हिज गर्लफ्रेंड टॉक टू यू, सुंदरलाल डज हिज गर्लफ्रेंड किसकी, रामलाल की गर्लफ्रेंड टॉक टू यू, तुमसे बात करती है। ये भी उसने देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ और बाद में एक सब्जेक्ट है, यानी ये भी सवाल भी पूछा, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आपने अगला सेंटेंस दिया वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, WH वर्ड से शुरू है, बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा के सब्जेक्ट है, कंफर्म हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आइडेंटिफाई करना आना चाहिए भाई साहब,
आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपने अगला देखा व्हेन विल यू रिटर्न, तुम वापस कब होगे, व्हेन विल यू रिटर्न, तुम वापस कब होगे, तुम वापस कब होगे। आपने देखा व्हेन आपके WH वर्ड है और इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, बाद में सब्जेक्ट है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऐसी कंडीशन और सेंटेंस सवाल पूछे आपका इंटरोगेटिव है, इसका मतलब ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव की कंडीशन क्या है कि आपका चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो वहां पे डायरेक्ट बात सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर WH वर्ड से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब लगा के सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन होना ही चाहिए। क्लियर हो रहे प्यारे स्टूडेंट्स? तो इस टाइप से इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अगर देखो मजा आ रहा है सारी चीजें समझ में आ रही है यार एक बार लाइक तो कर दो यार, एक लाइक तो बनता है, इतना तो कर सकते हो कि हाँ संदीप सर इतना, एक तो नेट नहीं सही चल रहा है फिर भी आपके लिए एफर्ट लगाए पड़े हुए हैं, दैट मींस एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट लाइक कर दो सारे लोग यार, जल्दी से लाइक कर दो यार, फटाफट लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, 1000 बच्चा होना चाहिए ना यार, आप बताओ खुद ही बताओ, एटलीस्ट 1000 बच्चा लाइव कनेक्ट होना चाहिए ना, तो फटाफट लाइक करके शेयर कर दो, 1000 बच्चा लाइव कनेक्ट, क्योंकि आपके लिए फाउंडेशन डेली पढ़ाऊंगा, 1 घंटे वोकैब पढ़ाऊंगा, 1 घंटे ग्रामर पढ़ाऊंगा, पूरी फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या चाहिए बेस्ट पार्ट, ओनली वन थिंग आई नीड फ्रॉम योर साइड, दैट इज लाइक एंड शेयर एंड नथिंग राइट नाउ, जस्ट लाइक एंड शेयर द सेशन, केवल ये चीज करते जाओ फिर देखो मजा ना आ जाए तो कहना। तीसरे नंबर पे आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखो इंपेरेटिव में मैं आपको बताऊं इसमें किस टाइप के किस लक्षण के आते हैं। सो इंपेरेटिव के केस में क्या होता है कि आपको सेंटेंस में जनरली कोई ऑर्डर देता हुआ दिखेगा, है ना, मुकेश यहाँ आओ, सुमन कहाँ जा रहे हो, ये है ना, ऑर्डर देता हुआ दिखेगा आपको, रिक्वेस्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है, आपको सजेशन देता हुआ दिखेगा, ठीक है, आपको कोई प्रपोज करता हुआ दिखेगा, लोग प्रपोज करते हैं ना, अब ये प्रपोज जो है अलग चीज है, यहाँ पे प्रपोजल आएगा, प्रपोजल देता हुआ दिखेगा, प्रपोज करना प्रपोजल देने में फर्क है भाई साहब, प्रपोज करना है प्रपोजल देने में फर्क है, प्रपोज करना वो अलग चीज होती है, अब प्रपोजल देना अलग चीज होती है, बात समझ पा रहे हो। प्रपोजल जैसे आपने सुना होगा भाई साहब उन्होंने बिजनेस का प्रपोजल आपके सामने रखा है, उन्होंने शादी का प्रस्ताव आपके सामने रखा है, जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे तो आपके लिए शादी का प्रस्ताव आएगा कि नहीं आएगा खुद ही बताओ, तो आपके सामने जो लोग ला के रखेंगे कि अच्छा आपका बेटा आपकी बेटी इनकम टैक्स ऑफिसर है, हमारे लड़के का हाथ आपकी बेटी के हाथ में देना चाहता हूं। लॉजिक समझना, बेटी का हाथ बेटे के हाथ में नहीं, क्यों, क्योंकि कमा कौन रहा है, बेटी कमा रही है ना, हम अपने बेटे का हाथ आपकी बेटी के हाथ में देना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल दिया, दैट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल, आर यू वेटिंग माय पॉइंट। मजा तो तब आएगा जब वो बोलेगा दहेज क्या लेंगे, हम अपने बेटे का हाथ देना चाहते हैं और दहेज उल्टा देंगे। फिर आनंद ही आनंद। सो गाइस वहां पे ये करके दिखाना है, सारी के सारी जितनी भी लड़कियां हैं बेटा आप लोग को हिम्मत करनी है कि ये दिन लाना है अपने पापा की जीवन में शादी से पहले का, ठीक है, मजा आ जाएगा फिर तो। तो ये प्रपोजल हो गया किसी भी प्रकार का, और प्रपोज तो तुम जाके जो बोलते हो, हेलो हेलो आई लव यू जो बोल के चले आते हो ना, वो प्रपोज होता है और ये प्रपोजल होता है, फर्क समझ में आ गया। आई लव यू से मुझे याद आया, अगर आपको कोई बोले आई लव यू तो आप क्या बोलोगे, अगर आपको कोई बोले आई लव यू तो आप क्या बोलोगे, चलो बताओ, अगर आपसे कोई बोले आई लव यू तो आप क्या बोलोगे, सामने वाले को क्या बोलोगे। मैंने एक बार ऐसी क्लास में पूछ लिया था, एक बार मैंने कहा पता तुम्हें आई लव यू कोई बोले बेटा, कोई लड़का था मुझे एक्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, मैंने उससे खड़ा किया, मैं खड़ा हो जा तुम्हें कोई आई लव यू बोले तुम क्या करोगे, उसने कहा हम बोल देंगे बहन जी अभी मैं तैयार नहीं हूँ। आई वॉज लाइक अबे पागल, वो तो केवल तुमको इसका जवाब चाह रही है, ठीक है, तो आपको अगर कोई बोले तो आप क्या बोलोगे, अगर आपसे कोई बोले आई लव यू कोई बोले क्या बोलोगे, बोल देते हो आई लव यू टू ना, तुम यही बोलते हो ना मेरे दोस्त, इस स्टेटमेंट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये स्टेटमेंट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आप सारे लोगों को मुझे कमेंट में बताना है वो कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहां पे एडवर्ब की मिस्टेक है, एडवर्ब की पोजीशन की मिस्टेक है, वो क्या मिस्टेक है आपको कमेंट में बताना है। जो आप लोग बोलते हो ना आई लव यू टू, भाई साहब ये गलत है, ये लाइन ही गलत है, ये लाइन गलत है, इसको सही करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, देखते कितने बच्चों को पता है जो बचपन से बोलते आ रहे हैं, जब से दुनिया बनी तब से लोग यही बोल रहे हैं आई लव यू टू आई लव यू टू आई लव यू टू, भाई साहब गलत होता है ये तो। यहाँ पे जितना भी इंग्लिश आप बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करके बैठे ना, सब गलत सलत पढ़ते हैं, किसी से पूछो व्हाट्स योर नेम तो आदमी बोल देता है माय सेल्फ अनुराग गुप्ता, ऐसे कुछ लोग बोल देते ना माय सेल्फ अनुराग गुप्ता, तो मेरे प्यारे भाई ये भी गलत होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये नाम बताने का तरीका भी गलत है, मुझे सब बताना कि क्या गलत है, ये तो होमवर्क आपके लिए रहेंगे आज के केस में, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे वो सारे पॉइंट्स मैंने, सर्वेंट सर्वेंट को बुलाइए,
नौकर को बुलाइए, तो ये स्टेटमेंट में आप किसी को ऑर्डर ही तो दे रहे हो ना। कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाइए, ऑर्डर दिया आपने, आपने कहा लेट द मेड स्वीप द फ्लोर, मेड को जमीन जो है फर्श जो है साफ करने दीजिए, तो आपने इसमें परमिशन देने की बात कही है। यानी कि जो मेड है, जो नौकरानी मैम है, उनको फर्श साफ करने दीजिए, तो आपने परमिशन देने की बात कही है, लेट द मेड स्वीप द फ्लोर। तीसरा है डोंट एवर ट्राई टू टॉक टू, मुझसे बात करने की जरूरत मत करना। क्या किया आपने, डांट लगाया, मना किया, आपने चीजों को प्रोहिबिट किया। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना किया। तो जब कभी किसी को कोई चीज के लिए मना किया जाता है, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। चौथा सेंटेंस आपके लिए, नेवर से हेलो टू द स्ट्रेंजर्स, अजनबियों को कभी भी हेलो मत बोलो, नेवर से हेलो टू द स्ट्रेंजर्स। क्या किया आपने, अगेन मना किया, इंपेरेटिव सेंटेंस। भाई साहब ये लव है, एल ओ वी ई, डब नहीं है, लव है, एल ओ है, ये एल कर लेना। लव योर जॉब नॉट योर कंपनी, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, आप किसी को सजेशन दे रहे हो, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, ये भी किसी स्टेटमेंट में जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो गया, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। आप ये भी कह सकते हो प्लीज कम हेयर, तो पी एल ई ए एस ई, प्लीज कम हेयर अगर आप कहते हो तो ये भी तो एक इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, प्रपोजल हो, एडवाइस हो, वो सब इंपरेटिव सेंटेंस होता है। एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पे। आप अगर देखो ये तो ये वाला स्टेटमेंट मेन वर्ब से शुरू है, ये वाला स्टेटमेंट लेट से शुरू है, ये वाला स्टेटमेंट डोंट से शुरू है, ये वाला स्टेटमेंट नेवर से शुरू है, और ये वाला स्टेटमेंट किससे शुरू था भाई, ये भी मेन वर्ब से शुरू है, ये वाला स्टेटमेंट प्लीज से शुरू है। एक और होता है भाई साहब, लेट अस स्टडी संदीप सर, लेट अस स्टडी इंग्लिश विद संदीप सर, ये आपके लिए, ये वाला स्टेटमेंट लेट अस से शुरू है ना। सो प्यारे स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखना, अगर कोई सेंटेंस इनसे शुरू होता है 90% पॉसिबिलिटी बनती है कि वो सेंटेंस आपका इंपरेटिव होगा। आई एम नॉट सेइंग कि 100%, I'm not saying 100%, sweep हो गया, sweep. I'm not saying 100%, मैं क्या कह रहा हूं, 90% possibility होती है, 90% possibility होती है कि वो statement आपका क्या होना चाहिए, imperative होना चाहिए। जब कभी भी sentence main verb से शुरू हो, let से शुरू हो, don't शुरू हो, never से शुरू हो, please से शुरू हो, या latest से शुरू हो, 90% possibility होगी कि वो वाला statement आपका imperative sentence होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल, एडवाइस, ये सारी चीजों को वहां पे बताता है। क्लियर हो गया इंपरेटिव? अगर इंपरेटिव पूरा समझ में आ गया तो एक बार फटाफट यार लाइक बटन पे क्लिक कर दो जल्दी से, और शेयर कर दो, 1000 बच्चे पहुंचने चाहिए, अभी 600 के आसपास होने वाले, 650 हैं। अगर हर एक बच्चा केवल शेयर कर दे, 5-5 शेयर कर देना, फटाक से 1000 हो जाएगा यार। एक 10 सेकंड का टाइम लेके शेयर कर दो और फटाफट लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, आइडेंटिफाई करने का ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि यहां पर यू में आपको ये फॉर्मूले दिखेंगे जो मेन वर्ब लेट, डोंट, नेवर, प्लीज, लेट, लेट अस, ये सभी चीजों से स्टेटमेंट हमारा शुरू होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगला सेंटेंस ये का है लेट अस गेट मैरिड दिस वीक, तो ये लेट अस भी आला भी यहां पे सेंटेंस दिया हुआ है, चलो इस हफ्ते शादी कर लेते हैं, तो ये किसी के लिए प्रपोजल है, राइट। तो ये अगला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खास तौर पे ये आपको अलग अलग प्रकार की फीलिंग देता है, जैसे सरप्राइज देगा आपको, शर्मिंदगी महसूस होगी, और भी बहुत सारी चीजें आपको, सरप्राइज होगा, शर्मिंदगी होगी, खुशी होगी, उदासीपन होगा, ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स निकल के सामने आएंगे, तो वो स्टेटमेंट हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है। अब ये बनते कैसे, जैसे आपने कहा व्हाट अ मैन यू आर, किस टाइप के आदमी तुम हो, व्हाट अ मैन यू आर। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे वर्ड से शुरू है लेकिन बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो इंटरोगेटिव होता, व्हाट इज अ मैन, एक आदमी क्या है, एक आदमी, वो आदमी डेफिनेशन हो जाता। सो गाइस व्हाट इज अ मैन, वो इंटरोगेटिव है, बट ये इंटरोगेटिव नहीं है। ये आपका क्या है, व्हाट अ मैन यू आर इज योर एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपने बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता जब वो WHAT से शुरू होता है। दूसरा सेंटेंस आपने कहा वाओ आई लव्ड इट, वाओ, जैसे आप मान लो बहुत सारे लोग होते हैं,
कि मान लीजिए किसी का बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे है और फ्रेंड्स ने क्या क्या केक अरेंज किया और केक लेके फटाक से उसके सामने पहुंच गए और उसकी आंख में पट्टी बंधी थी और आंख जैसे ही खुली और सामने केक और पिज्जा वगैरह पड़ा था, उसने देखो वाओ आई लव्ड इट थैंक यू, वो क्या किया उसने, वो भी एक्सक्लेमेटरी होगा, क्यों, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है, सरप्राइज देता है। What a man you are, तुम किस टाइप के आदमी हो यार, this is also surprise या shock, logic को समझना, surprise या shock दोनों होता है, wow I loved it, ये exclamatory, आपने कहा fire, how dirty you are, कितने गंदे हो तुम। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर इस how dirty you are में कहीं पर भी ये आपको बताना है कि how dirty you are, तुम कितने गंदे हो, तो तुम इतने गंदे हो कि तुम इतने गंदे हो, सवाल पूछा क्या उसने, नहीं, there is no question, उसने केवल अपनी feelings को express करी। फाय फाय का मतलब हिंदी में होता है छीछी, छीछी बोलते हैं भाई साहब, फाय फाय मीन्स होता है छीछी, आपने कहा छीछी कितने गंदे हो यार तुम, नाक बह रही थी किसी की यार, छीछी कितने गंदे हो। सो गाइस उस कंडीशन में यही स्टेटमेंट ही एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि सवाल नहीं पूछा इसने, हाउ डर्टी यू आर, हाउ स्टूपिड पर्सन यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, है ना, हाउ ग्रेट यू आर। तो ये स्टेटमेंट जब भी ऐसे आते हैं आप हमेशा उसको किसमें बनाओगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कंडीशन में डालोगे। तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब सरप्राइज या शॉक, इस प्रकार की फीलिंग। अगले सेंटेंस ले लीजिए, हाउ स्टूपिड पर्सन ही इज, कितना स्टूपिड पर्सन वो है। आप हाउ से शुरू कर रहे हो, आप व्हाट से शुरू कर रहे हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे हो। लेकिन अगर आपने कह दिया भाई साहब, अगर आपने कह दिया हाउ आर यू, HOW, हाउ आर यू, तो हाउ आर यू में हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब, सवाल पूछ लिया, इंटरोगेटिव हो गया। लेकिन आप देखो हाउ डर्टी यू आर, ये इंटरोगेटिव नहीं, ये आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ड एंड आइडिया, सर जी अभी बता चुका हूं। तो इस टाइप से ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगले पे आ जाइए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव के लिए कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे सबसे पहला विश, दूसरे नंबर पर है ब्लेस, तीसरे नंबर पर है कर्स एंड चौथे नंबर पर है विश ब्लेस कर्स एंड प्रे। ये चार चीजों को याद रखिएगा। कोई भी ऐसे शब्द या सेंटेंस जिसके भाव निकले, वो फॉर्मेशन में कुछ भी हो, स्टेटमेंट आपका, सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव ही होगा। जैसे आपने कहा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू आप किसी को कह रहे हो तो आप उसको ब्लेस कर रहे हो, आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो, गॉड ब्लेस यू बच्चा। सो ये गॉड ब्लेस यू स्टेटमेंट ऑप्टेटिव होगा। कुछ जगहों पर आपको मे गॉड ब्लेस यू भी दिखेगा लिखा हुआ, तो मे गॉड ब्लेस यू या गॉड ब्लेस यू दोनों स्टेटमेंट के लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देते हुए इसको आपको क्या मान चलना, ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि आप यहाँ पे ब्लेस कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। दूसरा है आपके लिए मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में कामयाब रहो, तो आप अपने जीवन में कामयाब रहो, यहां पर भी आपने किसी को आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद आपका है कौन सा, अगेन ब्लेस हुआ आपको, इसको भी किस में मान के चलना, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तीसरे नंबर पे गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, अभी आप सभी लोगों ने जब सेशन को ज्वाइन किया तो आप सारे लोगों ने भी लिखा था गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। इससे आप क्या कर रहे हो लोगों को, इससे आप लोगों को विश करते हो, ये विश वाला गेम है, इसलिए ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो ऑप्टेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पर पूरा मीनिंग को ध्यान देते हुए चलना है। आपने कहा गो टू हेल्प, सुना है ये वर्ड, इसका मतलब होता है भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, गो टू हेल का मतलब उधर भाड़ में जाओ, है ना, सुना है, हाँ सुना तो होगा ही, बहुत शरारत तो करते हो तुम लोग, गो टू हेल बोलता है कोई अगर आदमी, तो गो टू हेल का मतलब ये आपने किसी को कर्स दिया, CURSE, कर्स का मतलब होता है श्राप, आपने किसी के भला भला बुरा कहा, श्राप जैसे शब्द इस्तेमाल किए, भला बुरा कहा, गो टू हेल, ये स्टेटमेंट आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आपने कहा विश यू ऑल द बेस्ट, आप किसी को विश यू ऑल द बेस्ट विश कर रहे हो, यहां पर आपकी विश हुई, विश का मतलब होता है इच्छा, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, तो वो भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो इस टाइप से ऑप्टेटिव सेंटेंस को आसानी से आप पहचान सकते हो, आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी यहां पर ऑप्टेटिव को आइडेंटिफाई करने में। तो ये रहे प्यारे स्टूडेंट्स 5 के 5 सेंटेंसेस जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। इन 5 सेंटेंसेस की अगर मैं एक एग्जाम SSC CGL में इंपॉर्टेंस बताऊं तो प्रीलिम और मेंस मिला के ये 50 नंबर से ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस में टॉपिक्स में पूछा जाता है। 50 से ज्यादा मार्क्स दिलाएगा अगर आपको ये क्लियर है तो। क्यों? क्योंकि भाई साहब नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, ये तीनों तभी आप कर पाओगे जब आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना आएगा।
सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए ये तीन पार्ट जो 50 प्लस मार्क्स के होते हैं आप नहीं कर पाएंगे। अब आइए आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आप मुझे बताओ ये कौन सा सेंटेंस है। रोहन एंड सोहन आर नॉट रेडी फॉर इट, कौन सा सेंटेंस है फटाफट बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, शाबाश। दूसरा है आपका व्हाई आर यू सो सैड, तुम इतने ज्यादा दुखी क्यों हो, कौन सा सेंटेंस है फटाफट कमेंट करते चलिए। बहुत बढ़िया, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, शाबाश। तीसरा है यू मे सक्सीड इन योर करियर, आप अपने करियर में कामयाब रहें, कौन सा सेंटेंस है। अभी अंतिम में किया था भाई साहब, ये है आपका इंपरेटिव नहीं भाई ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा सेंटेंस है। डांट लगा रहे हो थोड़ी सी आप इसमें, कौन सा होगा। बिल्कुल सही जवाब आपने, इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मार्क माय वर्ड्स में मार्क आपका मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। अगला है व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर बगीचा है, सेंटेंस कौन सा होगा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, अगर आपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यहां पर गेस किया होगा तो। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू कम आउट फॉर अ मोमेंट हियर, क्या आप कुछ क्षण के लिए यहां पे आ सकते हैं, कौन सा सेंटेंस होगा। क्या आप कुछ क्षण के लिए यहां पे आ सकते हैं, कौन सा सेंटेंस होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया, अगर आपने इंटरोगेटिव मार्क किया होगा इसके लिए तो। अगला सेंटेंस है शी कुक्स फूड फॉर हर फैमिली, वो अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, अगर आपने असर्टिव टिक किया है इसके लिए तो, शाबाश। डोंट लेट दीज प्रिजनर्स रन, इन कैदियों को भागने मत दीजिए, डोंट, कहां से लिंक कर पा रहे हैं इस डोंट को, एग्जैक्टली अगर आपने इंपरेटिव सेंटेंस मार्क किया तो बिल्कुल सही जवाब दिया, इंपरेटिव सेंटेंस है डोंट लेट दीज प्रिजनर्स रन। नेक्स्ट वी हैव प्लीज अलाउ मी टू ज्वाइन संदीप सर क्लासेस, प्लीज अलाउ मी टू ज्वाइन संदीप सर क्लासेस, कौन सा सेंटेंस है, रिक्वेस्ट किया आपने। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, अगर आपने इंपरेटिव मार्क किया इस सेंटेंस के लिए तो। He made my friends upset, उसने मेरे मित्र को नाराज किया, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा है ये सेंटेंस। That's true, अगर आपने यहां पर इस सेंटेंस को असर्टिव मार्क किया तो बिल्कुल सही आपने टिक किया। So, मेरे प्यारे बच्चों ये रहे कुछ सेंटेंसेस जिसको आपने आइडेंटिफाई किया, आई होप आपके लिए काफी आसान हुआ होगा, इन सेंटेंसेस से आपने इन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो गया होगा। अब कोई कंफ्यूजन किसी का है तो बताइए। सबसे पहले आप सभी लोगों से एक्सट्रीमली सॉरी, हाथ जोड़ के क्षमा चाहेंगे एक चीज के लिए, वो रहा इंटरनेट का इशू। इंटरनेट का इशू यार, देखो कुछ टेक्निकल चीजें होती है जो संदीप सर के हाथ में नहीं होती है, कभी कभी ऐसी आ जाती, थोड़ा सा आपको सफर करना पड़ा, कुछ मिनट्स आपके खराब हुए, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी कोशिश रही इंटरनेट खराब ना हो, लेकिन कभी कभी अगर ऐसी चीजें होती है, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज कोऑपरेट किया कीजिए, चीजें हम लोग अच्छे करेंगे यार, जब हम दोनों लोग मिलकर करेंगे, मैं अपना कंटेंट अपनी नॉलेज आप तक पहुंचाऊंगा और आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा, बस आप कोऑपरेट करते जाओ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं ना यार, है कि नहीं। तो ये हो गई सारी की सारी चीजें। अब देखो मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा फाउंडेशन इंग्लिश ग्रामर चाहिए, आपको पता है कि पूरा का पूरा ग्रामर चाहिए होता है, और दूसरे नंबर पे चाहिए होती है वो कैप। तो ग्रामर की क्लास हर रोज मेरे साथ शाम को 7 बजे, ये देखिए लिखा हुआ है शाम को 7 बजे आप मेरे साथ यहीं पर डेली क्लास देखिए, पहली चीज। और वो कैब की क्लास आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पे केवल मेरी प्रोफाइल फॉलो करके देखिए। वोकैबुलरी आपकी 5000 वर्ड्स की एक सीरीज में चला रहा हूं वहां पे, 5000 इंपॉर्टेंट वर्ड अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए करना क्या है, बस आपको मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लेनी है। अगली क्लास जो मैं कल करूंगा वो क्वेश्चन टैग पे होगी, अच्छे से पढ़ के आना, ऐसे ऐसे नमूने लेकर आऊंगा मैं, आप लोग सोचोगे यार ऐसी चीजें आप तक तो पढ़ी नहीं, कहां से लेकर आ रहे संदीप सर, मजा आ जाएगा कल आना तो, ठीक है। सो आपको करना क्या है, ये 5000 9 AM पे डेली क्लास होगी, मंडे से शुरू है। वो कैप का समाधान प्रीवियस ईयर सेशन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर की वो कैप में रट्टा करा देता हूँ, एकदम लर्न कराऊंगा, 100% लर्न है भाई साहब, मैं ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ, ट्रिक के साथ 5000 वर्ड्स ट्रिक के साथ याद, 5000 वर्ड्स ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे आपको। बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे संदीप केसरवानी सर्च करके मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, और स्पेशल क्लास के कॉलम में एसएससी गोल सेलेक्ट करके आप कीजिएगा, ठीक है,
एसएससी गोल में आपको ये 5000 वर्ड्स मिलेंगे। तो कोई भी आपका पेपर है, आपका अगर बैंकिंग का पेपर है, आपका यूपीएससी का है, आपका कोई भी एग्जाम है, आप हर एक एग्जाम के लिए मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ऑलरेडी 7000 स्टूडेंट्स फॉलो कर चुके हैं, इससे ज्यादा फॉलो कर चुके हैं, ठीक है। आप फटाफट फॉलो कर लो और डेली बेसिस पे क्लासेस मेरे साथ सुबह के 9 बजे यहाँ पर अपनी वोकैब अच्छी करो, ठीक है। डन एवरीवन, तो इस चीज को कर लीजिएगा। आपकी इंग्लिश की कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा इस पर्टिकुलर सेशन में। बस आप सभी स्टूडेंट से बस कुछ चीजों का सपोर्ट चाहिए, वो ये है, शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग का सपोर्ट रहा। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको कैसा लगा मेरा आज का ये सेशन मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आखिर इस टाइप से अगर चीजें होगी तो आपको कितने परसेंट सेशन आज का समझ में आया और कितने परसेंट आगे एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं कराऊंगा समझ में आने वाला है। तो फटाफट इसको कीजिएगा डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे मेरे साथ यहाँ पे। मैं फिर से बता दूं मेरी फ्री क्लासेस की जो टाइमिंग है, वो शाम को 7 बजे 7 PM पे यूट्यूब पे है, ठीक है। ये 7 PM पे यूट्यूब पे है, फाउंडेशन ग्रामर है, फाउंडेशन ग्रामर की क्लास चल रही है यहाँ पे, ठीक है। और मॉर्निंग के 9 AM पे अनअकैडमी पे है, यहां पर वो कैप का समाधान चल रहा है, ठीक है। तो गाइस फटाफट बस आपका एक ही चीज चाहिए कि आप लोग फटाफट सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना यार, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा मोटिवेशन का ख्याल आप रखो, आपके एग्जाम का ख्याल मैं पूरा रखूंगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में फिर से। और अभी फॉलो कर लेना सो दैट आप मेरी सारी वो कैप के सेशन अनअकैडमी पे देखना शुरू कर सको आज से आज ही, ठीक है। चलो अभी के लिए केवल इतना, शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं कल अगली क्लास में और अगले नेट